मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड 3 का कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश चैप्टर 3। द जेबरा फेदर्स, इसका मतलब हुआ जेबरा का पंख। इसमें है, नीचे आप देखेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मतलब कठिन शब्द। जो नीचे कुछ कठिन शब्द इस चैप्टर के लिखे हुए हैं उसके मीनिंग पहले मैं बता दे रहा हूँ। पहला है स्ट्राइप्स, जिसका मतलब होता है पट्टियाँ। फेदर मतलब पंख। स्प्रेड मतलब फैलना। एग्रीड मतलब मान लेना। स्विम से बना है स्वयं, इसका मतलब होता है तैरा। मिडिल बीच। होली मतलब पाक पवित्र। हैप्पली खुशी से, हैप्पी से बना है हैप्पली। अब चैप्टर हम शुरू करते हैं। देयर लाइव्ड ए जेबरा इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में एक जेबरा रहता था। लाइक अदर जेबराज, दूसरे जेबरों के जैसा। ही हैड ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स ऑल ओवर हिज बॉडी, उसके शरीर पे काले और सफ़ेद रंग के पट्टियाँ बनी हुई थी। ही डिड नॉट लाइक हिज स्ट्रिप्स, वो अपनी पट्टियाँ पसंद नहीं करता था। वन डे ही सॉ ए पीकॉक, एक दिन उसने एक मोर देखा। द पीकॉक हैड ए ब्यूटीफुल टेल, पीकॉक को एक सुंदर पूंछ था। देयर वेयर फेदर्स ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स, उसके अलग अलग कलर के पंख थे। ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, एंड पर्पल मतलब बैगनी। ईच फेदर हैड एन आईज इन द मिडिल, हर एक फेदर के बीच में आँख था। ये देखिए, ये जो आँख बने हुए फेदर के बीच में। When the peacock danced, जब मोर नाचता था। The feather spread out like a fan, जब मोर नाचता था तो उसके पंख पंखा के तरह फैल जाते थे। The zebra wanted to have a tail like that, जेबरा उसी के जैसा पूंछ चाहता था। There lived a holy man in the same forest, उसी जंगल में एक संत रहते थे। द जेबरा आस्क्ड हिम टू चेंज हिज स्ट्रिप्स इनटू ब्यूटीफुल फेदर्स, जेबरा ने उन संत से कहा, आप मेरे ये जो पट्टियाँ बनी हुई है इसको सुंदर पंख में बदल दीजिए। द होली मैन एग्रीड, संत मान गए। ही आस्क्ड जेबरा टू क्लोज हिज आई एंड ओपन देम आफ्टर ए शॉर्ट वाइल, उन्होंने कहा जेबरा से कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो और थोड़ी देर बाद खोलना। द जेबरा डिड सो एंड, जेबरा ने उसी तरह किया। और ही फाउंड ब्यूटीफुल फेदर इन प्लेस ऑफ ए स्ट्रिप, और वह उसको सुंदर पंख लग गए स्ट्रिप के जगह पे। The holy man said to him, संत ने उससे कहा, जेबरे से कहा, You must not get into water, तुमको पानी में नहीं जाना है, किसी भी हालत में तुमको पानी में नहीं जाना है। If you do, अगर तुम ऐसा करोगे, the feather will come off, तुम्हारे पंख निकल जाएंगे। The zebra thanked the holy man and went away happily, जेबरा ने उनको धन्यवाद किया, होली मैन को धन्यवाद किया और वहाँ से खुशी खुशी चला गया। ऑन द वे, रास्ते में, ही केम टू ए रिवर, एक नदी के पास पहुँचा। ही लव्ड टू स्विम, उसे तैरना बहुत पसंद था। सो ही फॉरगेट द होली मैन्स वर्ड
एंड जम्प्ड इन टू द रिवर. वो जो संत ने उसको बात बताए थे वो भूल गया और नदी में छलांग लगा दी. द ही स्वेम हैप्पली अक्रॉस द रिवर. वो खुशी खुशी नदी के पार तैर गया. ही सॉ दैट द फेदर हैड गॉन एंड द स्ट्रिप्स वेयर बैक. उसने देखा उसके पंख चले गए और फिर जो पुराने स्ट्रिप्स थे ब्लैक और वाइट कलर के फिर से वापस आ गए. ही रिमेम्बर्ड द होली मैंस वर्ड ओनली देन एंड ही वॉक्ड अवे इन द फॉरेस्ट सैडली. तब उसने जो संत ने होली मैन ने जो बात बताई थी वो उसको याद आई और वह दुखी होकर फिर से जंगल में चला गया. इसके बाद आओ हम लोग देखते हैं ये लेट्स डू, आओ इसको करते हैं. इसका मतलब हुआ इसके ये जो हम लोगों ने पढ़ाई किया इसके कुछ क्वेश्चंस हैं. फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली जगह है उसको भरना है. क्या भरना है इसमें देखते हैं. इच फेदर हैड एन डैश इन द मिडिल. ये ब्लैंक दिया हुआ है कि इच फेदर हैड एंड ब्लैंक इन द मिडिल. क्या ब्लैंक में क्या भरेंगे? हमने क्या पढ़ा था पीछे कि जितने भी फेदर थे उसके मिडिल में क्या था? आंख थे. तो इसलिए हम लोग यहां क्या भर देंगे? आई. उसके बाद दो नंबर पे है ही वॉक्ड अवे इन द फॉरेस्ट. ही वॉक्ड अवे इन द फॉरेस्ट. वो क्या हुआ? जंगल में चला गया. कैसे चला गया? दुखी होकर के, सैडली. तो यहां हम लोग सैडली भर देंगे. ठीक है, सैडली. उसके बाद से तीसरा नंबर है द जेबरा डिड नॉट लाइक हिज. जेबरा डिड नॉट लाइक, जेबरा पसंद नहीं करता था. उसका क्या पसंद नहीं करता था? उसके जो पट्टियां बनी हुई थी ब्लैक और वाइट कलर की, स्ट्राइप्स जो उसके थे, स्ट्राइप्स, वो पसंद नहीं करता था. चौथा है द पीकॉक हैड ए ब्यूटीफुल. क्या थे? ब्यूटीफुल. पीकॉक के पास एक खूबसूरत क्या था? सुंदर सा टेल था. पांच नंबर पे है ही फॉरगेट द डैश वर्ड्स एंड जम्प्ड इनटू द रिवर. वो क्या भूल गया था? होली मैंस का बात. क्या भूल गया था वो? किसका वर्ड भूल गया था? होली मैन का. तो यहाँ हम लोग लगा देंगे होली मैंस का बात भूल गया. बी नंबर पे है राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स इन द बॉक्सेस. ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और बॉक्सेस में ट्रू है, फॉल्स है, क्या है इसमें भरना है. अगर ट्रू है तो टी भरेंगे और फॉल्स है तो एफ भरेंगे. ही वांटेड हिज टेल टू बी लाइक ए लायन. जेब्रा लायन के जैसा अपना टेल चाहता था. कैसा चाहता था? लाइन के जैसा नहीं, लाइन के जैसा बिल्कुल नहीं. वो चाहता था पिकॉक के जैसा, इसलिए ये क्या हुआ? फॉल्स हुआ. दूसरा है द होली मैन चेंज्ड हिज स्ट्रिप्स इनटू ब्यूटीफुल फेदर्स. द होली मैन उसके फेदर्स स्ट्रिप्स को ब्यूटीफुल फेदर्स में चेंज कर दिया. यस, दिस इज ट्रू. मोर के पंख में उसको चेंज कर दिया था होली मैन ने. द जेब्रा लाइव नियर द लेक. जेब्रा लेक के करीब रहता था. नहीं, वो जंगल में रहता था, इसलिए ये भी क्या हुआ? फॉल्स. उसके आगे हम लोग देखेंगे ही लाइव्ड विथ पीकॉक फेदर्स थ्रू आउट हिज होल लाइफ. वो जो जेब्रा था, क्या वो पूरी जिंदगी पीकॉक के फेदर के साथ जिंदगी गुजारी? नहीं, ये भी फॉल्स है, क्योंकि वो नदी में छलांग लगा दिया और उसके सारे फेदर्स निकल गए. पांचवा है द जेब्रा ओबेड व्हाट द होली मैन हैड सेड. जो जेब्रा को जो होली मैन ने बोला था, क्या उसके उसके बात को माना? बिल्कुल नहीं. उसने उसको मना किया था कि पानी में नहीं उतरना है, तो ये भी फॉल्स हुआ. लेकिन वो नदी में उतर गया, तो ये भी हमारा क्या हुआ? फॉल्स हो गया. सी पर है कुछ क्वेश्चंस, हम देखते हैं क्या है क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन है हमारा
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये फॉलोइंग ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आंसर करने हैं। व्हाट डिड द जेब्रा से टू द होली मैन, जेब्रा ने होली मैन से क्या कहा? तो जेब्रा ने होली मैन से कहा था कि तुम जो मोर के पंख जैसे हैं, तुम हमारा जो स्ट्रिप्स हैं उसको चेंज कर दो। तो क्या कहा था? चेंज हिज स्ट्रिप्स इंटू ब्यूटिफुल फेदर्स, यहाँ हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड द जेब्रा जम्प्ट इंटू द रिवर, जेब्रा नदी में क्यों छलांग लगा दिया, क्यों कूद गया नदी के अंदर? बिकॉज ही लव टू स्विम, क्योंकि वो तैरना उसको बहुत पसंद था। तो हम लोग ये भरेंगे, जेब्रा लव्ड स्विम सो ही जम्प्ट इंटू द रिवर। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ए पिकॉक फेदर, जो मोर के पंख है उसका डिस्क्राइब करो, उसको बताओ कैसे हैं। तो पिकॉक्स फेदर हैव मेनी डिफरेंट कलर्स, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल। उसके बाद हमारे पास है फोर नंबर पे, व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड द होली मैन गिव टू जेब्रा, होली मैन ने जो संत थे उन्होंने, व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड द होली मैन गिव टू जेब्रा, जेब्रा को होली मैन ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया था, क्या उसको बोला था करने के लिए? उनको बोला था कि पानी में नहीं उतरना है, अगर पानी में उतरोगे तो तुम्हारे पंख निकल जाएंगे। तो लिखेंगे द होली मैन सेड टू जेब्रा यू मस्ट नॉट गेट इन टू वाटर।